का 3 है, बोला कि फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4px है ना। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4px, नंबर क्या आएंगे वो बताएगा, ठीक है। इतना काम कर लेंगे पहले की, फिर बोला है कि इसका देखिए एक्सट्रीमिटीज जो पॉइंट का डबल पूछा, ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8 दिया है, मतलब इसका लेंथ क्या है, डबल ऑर्डिनेट का जो लेंथ क्या है 8 है ना, क्या मतलब लेंथ कितना है 8 ये है। इतना काम कर लेंगे और यहां से लिखेंगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन y ऑफ दी क्या कोनी बन रहा था डबल ऑर्डिनेट्स आर आपका माइनस प्लस कितना आएगा 4b, यही आता है ना। अगर 4a होता तो हम लोग क्या लिखते यहाँ पे 4a लिखेंगे, अगर 4q है तो यहाँ पे क्या लिखते 4q, अगर 4p है तो क्या लिखेंगे हम लोग 4b। y equal to जो आया आपके पास माइनस प्लस 4b आएगा। अगर हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मतलब समीकरण क्या करेंगे 1 से y square equal to 4px है, y का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस प्लस 4b ऊपर से square equal to 4px आ जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16p square equal to 4px आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्स देखिए बिल्कुल कट जाएगा 4 से, यानी कि x का जो वैल्यू आने वाला है 4p आएगा। इतना काम कर लेंगे, उसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये बोला है कि PTPT मतलब प्रूव दैट द लाइन से फ्रॉम द वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स से लाइन जाना चाहिए, डबल आना चाहिए टू इट्स क्या है एक्सट्रीमिटी आर एट राइट एंगल। राइट एंगल कहने का मतलब क्या होता है कि जब दो स्लोप आता है m1 m2 को गुणा करेंगे तो कितना आता है -1 आएगा, ये चीजें हम लोग समझेंगे। अब मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है, इसलिए अगर हम पॉइंट की बात करेंगे पॉइंट कितना आएगा x, y डेट इज इक्वल टू x का जो वैल्यू है 4p है और इसका क्या है माइनस प्लस 4a। अब ये पैराबोला के हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनेगा देखिए ये मान लेते हैं x है ना, ये भी x है, इसको डैश में लिखेंगे, ये y डैश है और ये क्या मिलेगा y, यहाँ पे आपका क्या है कि वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहने का मतलब क्या होगा 0 0 होगा, ये हम लोग क्या कर लेंगे इसको 0 0 ले लेते हैं, ठीक है v का वर्टेक्स होगा। अब ये पैराबोला बनाएंगे तो इसी टाइप का तो पैराबोला बनेगा ही, यहाँ पे कितना आएगा आपका फोकस आएगा, कितना आएगा फोकस जो एस लिखेंगे यहाँ पे। अब ये लाइन होता है, इस लाइन का जो लंबाई है कितना दिया है लेंथ 8p दिया हुआ है, टोटल लंबाई कितना है 8p। अच्छा ये पॉइंट प्लस में होगा और ये पॉइंट क्या होगा प्लस माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू प्लस में y का वैल्यू माइनस में और दोनों चीजें क्या होता है प्लस में। अब देखिए पॉइंट आया है 4p माइनस प्लस, तो x का वैल्यू कितना है ये मान लेते हैं कि p है, तो 4p हो गया और ये 4p हो गया। अच्छा ये पॉइंट q होगा, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ए ही सेम टू सेम आता है तो 4p आएगा और माइनस क्या आएगा 4p आ जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लेंगे, बोला क्या है कि एक लाइंस, लाइंस मतलब दो चलेंगे ना यहाँ पे फ्रॉम दी वर्टेक्स, देखिए ए वर्टेक्स से एक लाइन गया कहाँ पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे, ठीक है। पहला पूछा हुआ है कि डबल ऑर्डिनेट्स क्या होगा 5d, तो यही एक आंसर आ चुका हुआ है। दूसरा हम लोग करेंगे कि ये दोनों क्या होना चाहिए राइट एंगल, अब बताते हैं कि एक क्या है ओ है। अगर हम यहाँ से स्लोप ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ओपी निकालेंगे, यानी कि वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है। और इस स्लोप के हमने क्या मान लिया एम वन, ये जो स्लोप होगा इस लाइन का एम वन है और इस स्लोप का क्या है एम टू, और दोनों स्लोप को निकाल करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा माइनस वन, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है राइट एंगल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं y2 कहने का मतलब क्या है 4p माइनस y1 कहने का मतलब क्या है, क्योंकि op में से लेना है ये 0 आ जाएगा बटा 4p माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4p बटा 4p हो गया,
कटेगा तो कितना आएगा वन। उसके बाद स्लोप ऑफ किसका निकालेंगे, स्लोप ऑफ ओ की, यानी कि फिर से वही है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये दो पॉइंट के लिए स्लोप होता है, तब याद रखिएगा कि जब भी अगर दो पॉइंट आए, समझ में आ रहा है, ये होगा मान ले x1 कमा y1 और ये क्या होगा x2 कमा y2 हो गया। अगर हम स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, एक फॉर्मूला होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 लिखेंगे, माइनस कॉमन करके, दोनों चीजें सेम है। अब O Q पे देखेंगे, O यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, ठीक है। तो y2 कहने का मतलब कितना है माइनस 4P, y1 कितना है जीरो है, x2 कितना है 4P ना, अब माइनस क्या है जीरो, यानी कि माइनस 4P बटा कितना आएगा 4P, ये कटेगा तो क्या देगा माइनस 1। अब यहां से करेंगे, नाउ लिखेंगे कि m1 m2 इक्वल टू, ये होगा 1 इनटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया माइनस 1। तो दैट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं कि यहां पे द लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स एक्सट्रीमिटीज आर एट अ राइट एंगल, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बन जाएगा ना इस टाइप से। और ये देखिए आपका बिल्कुल, ये जो प्रश्न है पूछा हुआ है JSSC, ठीक है, 2016 में वैकेंसी आया था, TGT के पेपर में पूछा हुआ, TGT, ठीक है, ये पूछा हुआ है। बस सिंपल सा था कि जब भी ये डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एक पैराबोला होता है, तो कंडीशन क्या होता है, वहां पे लिखा था राइट एंगल करके लिखा था ना, डबल ऑर्डिनेट इस तरह से चार ऑप्शन दिया था हमने उसको, एक जितना भी JSSC 2016 का है वो मैथ का एक वीडियो हम लोग सॉल्व करके, मतलब पूरे बना करके 1 से लेकर 75 क्वेश्चन था सॉल्व करके हम लोग अपलोड किए हैं, तो आप इसको बिल्कुल देख लें। तो दूसरा आपका, तीसरा था वो कंप्लीट हो गया, और टोटल आपका इसमें प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3 से देखेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।